नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को यूपी में करारी हार मिली थी, जिसे लेकर भाजपा के यूपी खेमे में काफी उथल पुथल मची। यहाँ के राजनीतिक गलियारों में कई सुर सुनने को मिले, बात आंतरिक कलह तक जा पहुंची। लेकिन अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा ने अपनी हार के कारणों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत भाजपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें मनाने के लिए नया प्लान लेकर सामने आई है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खराब परिणाम की वजह यही थी कि पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे। अब यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं के समायोजन के जरिए पार्टी में जोश भरी जाएगी। पार्टी हाईकमान से मिले निर्देश के बाद और चुनाव समीक्षा के बाद पार्टी और सरकार ने फैसला लिया है। आपको हम बता दें कि इस फैसले के तहत बोर्ड, निगम, आयोग, निकाय, गणना समितियों और गणना परिषदों में कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। महामंत्री संगठन धर्मपाल, भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी की सहमति के बाद पद भरे जाएंगे और पार्टी फोरम से आए हुए नामों की लिस्ट संगठन महामंत्री के पास पहुंची जाएगी। इसके पीछे बीजेपी का लक्ष्य है कि हर मंडल और क्षेत्र जाति विशेष के कार्यकर्ताओं का समायोजन हो। बीजेपी निकायों में 2200 से ज्यादा पार्षद मनोनीत करेगी। बीजेपी सबसे पहले 4 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाएगी। बीजेपी पहले चरण में महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में समायोजन करने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।